जी लालच कहते हैं। लालच ये तो लालच सभी लोगों में बनाया गया है। परमात्मा ने लालच हर जीव के लिए दिया है। हर व्यक्ति में थोड़ा थोड़ा लालच है। किसी में लालच है तो किसी में लालच का अहंकार है, तो किसी में कुछ और है, कोई और है। कोई कुछ के पीछे भाग रहा है और कोई कुछ के पीछे भाग रहा है। ये अहंकार में लालच होता है। सत्संग जी, इसी पे मैं छोटा सा एक कहानी सुनाने वाला हूँ। सत्संग जी, एक घर में दो बहनें रह रहा करती थी। वो दोनों बहनें अक्सर ज़्यादा धनिक नहीं थी, वो गरीब भी थी, उसका कोई भी नहीं था। एक बहन और दूसरी बहन सौतेली थी। सत्संग जी, एक बहन बहुत भोला भाला और सीधा साधी थी, तो वही दूसरी बहुत घमंडी। सत्संग जी, पर दोनों अक्सर मिल के कामकाज करते थे, लेकिन जो घमंडी थी वो अक्सर ज़्यादा कामकाज में हाथ नहीं बटाती थी। और एक बहने थी जो कि बहुत कामकाज करती थी, उसका दिल पूरा साफ था। सत्संग जी, एक दिन क्या हुआ कि जो भोली बहन थी वो अक्सर रास्ता भटकते भटकते नदी के पास चली गई। अक्सर काफ़ी धूप था, धूप के कारण उस बहन को प्यास लग गई। वो नदी के किनारे पानी पीने के लिए जाती है। नदी के किनारे अक्सर नदी के किनारे उसके पैर फिसल जाते हैं और वो नदी में जा गिरती है। अचानक नदी में जा गिरती है तो उसको लहरें बहाकर कहीं डुबा देती हैं और वो बहने चली जाती है एक स्वर्ण लोक में। और स्वर्ण लोक में वो पहुंच जाती है। उसे बहुत कठिनाइयां होती थी, इसलिए वो स्वर्ण लोक में नदी के लहरें के बहाव से वो चली गई। वहाँ पे जाने के बाद वो क्या देखती है कि हम कहीं और जगह पहुँच गए हैं। वो सोचती है कि हम किस जगह पे पहुँच गए। वो देखकर अपने आप को कुछ अनुभव करती है। आगे जब नदी के से निकलकर जाती है तो देखती है कि चूल्हे पर रोटियाँ जल रही हैं। वो रोटियाँ जलते देखकर ये सोचती है कि रोटियाँ जल रही है और रोटियाँ से आवाज़ आती है, मुझे उतारो, मुझे उतारो, मैं जल जाऊंगा, मुझे उतारो। तो ये बोलती है ठीक है, मैं तुमको उतार देती हूँ, और रोटियाँ उतार कर नीचे रख देती है। और रोटियाँ बोलती है ठीक है, अब तुम आगे जाओ। वही रास्ते से वो भोली बहन जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक सेब फल का पेड़ मिलता है। वो पेड़ काफ़ी फल से भरा हुआ था। वो फल का पेड़ बोलती है मेरे फल से तुम ये मेरे पेड़ से फल तोड़ दो, मैं काफ़ी भारी हो गया हूँ और भारी से मुझे रहा नहीं जा रहा है। तो वो भोली बहन उस पेड़ के से पूरे फल तोड़ देती है। वो फिर फल के पेड़ आशीर्वाद देती है और उसे बोलती है फिर तुम आगे जाओ। कुछ दूर जाने के बाद वो सोचती है कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक घर मिलता है। घर के सामने जाकर वो भोली बहन खड़ा हो जाती है। फिर उसमें से एक बूढ़ी औरत निकलती है। बूढ़ी औरत पूछती है कि बेटी तुम कहाँ आई हो। तो वो बोलती है कि मैं क्या पता कहाँ आ गई थी, मैं बहुत काम काज करती हूँ और मुझे थकान सी महसूस हो रही थी और मैं नदी किनारे पानी पीने के लिए आई थी और मेरे पैर फिसल गए तो मैं नदी में जा गिरी और मैं का पता कहाँ चली आई हूँ। तो वो बोलती है तुम्हें काम काज सारा काम आता है। तो वो बोली हाँ। तो बूढ़ी महिला अपने घर के अंदर ले गई। बूढ़ी महिला उससे कहे कि तुम कुछ दिन मेरे काम काज में हाथ बटाओ। वो भोली बहन वो बूढ़ी महिला के काम काज में हाथ बटाने लगी और उसे बहुत खुशियाँ मिली बूढ़ी महिला को। फिर उसे एक दिन अचानक महसूस होने लगी कि मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। बूढ़ी महिला बोली ठीक है, तुम क्या सोच रही हो। तो वो बोलती है बहन कि मेरी बहन की याद आ रही है, मैं अपने बहन के पास जाना चाहती हूँ। वो बोली ठीक है चलो। वो जाती है तो उसे बहुत सारा सोना देती है अपने साथ वो बूढ़ी महिला, और वो सोना लेकर चली आई अपने बहन के पास। फिर वो बहन बोली कि इतना सारा सोना तुम कहाँ से लेकर आई हो, मुझे भी सारा सोना चाहिए।
वो बहन बोली कि रहने दो, हम लोग इसे मिलकर ही हम लोग लेंगे। वो बहन नहीं मानती है और वो भी बहन उससे पूछकर नदी के किनारे नदी में जाकर कूद जाती है। ये नहीं सोचती है कि हम क्यों कूद रहे हैं। फिर वो भी बहन नदी में कूद जाती है और कूद कर वो भी उसी लोक में पहुंच जाती है। जब वो भी बहन उस लोक में पहुंच जाती है तो वो भी उस जगह पर पहुंच जाती है, जगह पर रोटी वैसे ही जला हुआ था। वो भी रोटियां कह रही थी कि मुझे उतारो, मुझे उतारो, मैं जल जाऊंगा। लेकिन ये बहन तो घमंडी थी, मुझे कह रही थी कि तुम्हारे जलना है तो जलो, मुझे सोना खोजना है। फिर वो आगे चल जाती है रोटियां जलते हुए और रोटी जल जाती है। आगे जाने के बाद वही फल का पेड़ उसे फिर मिलता है। वो भी बोलता है कि मुझे तोड़ दो, मैं भारी हूँ। लेकिन ये भी बोलती है बहन कि मुझे सोना लेना है, मुझे फल तुम लोगों से कोई काम नहीं है। फिर आगे जाकर वही बूढ़ी का पेड़ छोड़ देती है। वही बूढ़ी महिला फिर मिलती है। वही बूढ़ी महिला वहाँ मिलती है तो इससे पूछती है, मुझे सोना चाहिए। बूढ़ी महिला बोलती है, तुम्हें काम काज आता है? मेरे घर में बहुत काम काज है, आओ मेरे हाथ बटाओ। ये बोलती है बहन कि नहीं, मेरा कोई काम काज नहीं आता, मुझे सोना चाहिए, मुझे सोना दे दो, मैं सोने लेकर अपने घर चली जाऊंगी। फिर बोलती है, तुम्हें सोना चाहिए। बूढ़ी महिला लेकर अपने साथ जाती है और एक झरना गिरता है ऊपर से। उस झरने के पास जाकर कहती है कि जाओ वहाँ खड़े हो जाओ, तुम्हें सोना चाहिए तो वहाँ मिल जाएगा। वो झरने के पास उसे खड़ा कर देती है और झरना का पानी जैसे ही उसके शरीर पर गिरता है, वो पूरा उसका शरीर काला हो जाता है। तो ये बोलती है बहन कि मुझे सोना नहीं मिला, मेरा पूरा शरीर काला कैसे हो गया? तब वो बोली कि तुम्हारी बहन तुम्हारे से नेक थी, वो साफ दिल की थी, घमंडी नहीं थी। जिसे जैसा मिलना होता है वो वैसा ही मिलता है। उसका दिल सोने जैसा साफ था और तुम्हारा दिल काले से भी काला, इसलिए जिससे जैसे ही होता है उसको वैसे ही मिलता है। जिसका जैसे करनी होता है वैसे भरनी होता है। तो सत्संग जी, यही थी एक साखी जो कि आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर रोज़ मैं इस चैनल पर साखियाँ लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधा।